हरे कृष्णा। तो टॉपिक है नेक्स्ट 48 आवर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे होने वाले हैं इसका एक रीडिंग देखते हैं। देखेंगे रीडिंग शॉर्ट होता है या लंबा। सो लेट्स डू अ कार्ड। ओके, तो मैं 3 कार्ड चुन रहा हूँ जो कि यहाँ पे हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज नो रीजन, सेकेंड वन इज थिंकिंग प्रोसेस एंड थर्ड वन इज रीयूनाइट। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी कार्ड चुन सकते हैं एंड फिर हम देखेंगे कि रीडिंग क्या आती है। सबसे पहले चुनते हैं नो रीजन। ठीक है, तो नो रीजन जिन्होंने भी चुना है उनके लिए कार्ड्स क्या आते हैं वो देखते हैं। चलो 5 कार्ड चुनेंगे हम फॉर नो रीजन नेक्स्ट 48 आवर्स। ठीक है, क्या होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में रिगार्डिंग यू एंड योर रिलेशनशिप। ठीक है, 4 कार्ड्स आ गए, बस एक और कार्ड चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं नो रीजन के लिए क्या रीडिंग आती है। ओके, ठीक है, 5 कार्ड आ गए, 5ों अलग अलग तरह के कार्ड्स हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला कार्ड है जो कि है एस ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ठीक है, तो कोई नई शुरुआत या नई बिगिनिंग नहीं होने वाली। यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इशू। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहा है तो आप उसी को लेके बैठे हैं। ठीक है, जैसे कि कोई कोई कहता है कि तुमने ये गलती की या फिर तुम मेरी बात नहीं मानते, यू नो तुम्हें प्यार का एहसास नहीं है, तो कोई जो इशू है आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं। कहीं ना कहीं पे एनर्जी जो है वो पास्ट की भी दिखाई देती है। ठीक है, एनर्जी कनेक्टेड टू अ पर्सन, तो ये एनर्जी पास्ट से आ रही है। ठीक है, मतलब यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट। जो भी पास्ट में हुआ है या फिर ये व्यक्ति जो आपको पास्ट में मिला था आप उसी को लेके बैठे हैं एंड उसी को लेके आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, सो ये आपके दिलो दिमाग में कहीं पे छाया हुआ है। समवेयर यू आर कनेक्टेड टू दिस काइंड ऑफ एनर्जी। अब अगर पास्ट की एनर्जी है और उसको आप कैरी ऑन कर रहे हैं तो प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा रहेगा, तो ये मैटर करता है, तो ये अलग बात होती है। ओके, दैट इज़ समथिंग। जैसे कि सांता क्लॉज जो होता है वो खिलौने बनाता है और उसे लेके बच्चों में बांट देता है क्योंकि उसे चाहिए खुशियाँ। खुशियाँ हो गया फ्यूचर, वर्तमान है उसको बांटना है एंड पास्ट उसने खिलौनों के ऊपर वर्क किया है। लेकिन आप एक व्यक्ति को लेके बैठे हैं जो आगे नहीं बढ़ना चाहता, उसी को लेके आप प्रेजेंट एंड फ्यूचर में जी रहे हैं, तो क्या मिलेगा आपको, खुद सोचिए। सेकेंड जो कार्ड है वो है द वर्ल्ड। ठीक है, इसका मतलब है काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं। ओके, काफ़ी सारी बातें आपके लाइफ में होने वाली है, यू जस्ट हैव टू गेट रेडी फॉर इट। ठीक है, आपको खुद को प्रिपेयर होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। अगर आप खुद प्रिपेयर होते हैं तो आपको आगे बढ़ने में आसानी हो सकती है। द वर्ल्ड कार्ड रिप्रेजेंट्स की यहाँ पे काफ़ी अच्छी बातें आपके लाइफ में होने वाली हैं। ओके, देखो यहाँ पे आ गया है कि यू आर कनेक्टेड विद द पर्सन हु इज़ फ्रॉम द पास्ट, लेकिन द वर्ल्ड कार्ड है। ठीक है, तो ये फ्यूचर कहीं ना कहीं पे दर्शाता है, तो यू आर लुकिंग एट द फ्यूचर, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं। आपका जो व्यू पॉइंट होगा वो डायरेक्टली फ्यूचर तक होगा कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा नेक्स्ट 24 आवर्स, क्या होगा नेक्स्ट 48 आवर्स, वो क्या करेंगे क्या कहेंगे। ओके, देखो यहाँ पे आपकी होप्स है बहुत सारी। ठीक है, आप आशा ला के बैठे हैं कि ये होगा वो होगा। ओके, आप डिपेंड ऑन दैट, कहीं ना कहीं पे प्रेजेंट बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपने प्लान आउट किया है कि रात को 9 बजे डिनर को जाना है, तो 9 बजे दिन भर क्या हो रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे डिनर को जाते हैं तो आप कहते हैं ओके व्हाट टू डू नेक्स्ट, आपके दिमाग में डायरेक्टली नेक्स्ट आता है, तो खाने पीने में कोई ध्यान नहीं है आपका। तो वर्ल्ड इसका मतलब है काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। जो 3rd कार्ड आ गया है वो है 7 ऑफ सोर्ट्स। ठीक है, और देखो 7 ऑफ सोर्ट्स है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद भी कुछ अपॉर्चुनिटीज और बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज आप मिस करने वाले हो या फिर मिस कर सकते हो, और इसका रीज़न है इस व्यक्ति को लेके चलना। ओके, अब आपको किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना है तो जो भी पास के होते हैं ना इंटरव्यूज, उसको आपको भुलाना पड़ता है। अगर आप वही कैरी करोगे कि हर HR अलग होता है, कंपनी की पॉलिसीज अलग होती हैं, आप वही दिल में लेके बैठे हो कि उन्होंने मुझे ऐसा सवाल पूछा था ये भी मुझे ऐसे ही पूछेंगे, तो मिसमैच होगी एनर्जी। ठीक है, तो ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप जो हैं एक ऐसी एनर्जी कैरी कर रहे हैं कि इतनी सारी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने के बाद भी आप उसे लूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे किसी ने आपको दिल तोड़ा है, ओके ठीक है, तो आप डेफिनेटली हर्ट हैं। लेकिन कोई आपकी सहेली आई है, कोई आपका दोस्त आ गया है, बहुत दूर से आए हैं, आपके लिए कुछ लेके आए हैं, गिफ्ट लेके आए हैं, आपकी आप फिर आपके भाईजान हैं या फिर बहन है, वो आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आए हैं और आपका ध्यान ही नहीं है, तो वॉट अबाउट देम? आप उनको मतलब दूर जाने दे रहे हो कि आई डोंट केयर अबाउट यू, आई जस्ट केयर अबाउट माई पास्ट। तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। हालांकि देखो यहाँ पर कार्ड है द डेविल, ठीक है, तो देखो द डेविल कार्ड है यहाँ पे, तो ये आपको साइनिंग दे रहा है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दिस 48 आवर्स, ठीक है। अभी इसलिए भी आ रहा है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम गलत डिसीजन लेते हैं। अब देखो ये तीनों जो कार्ड है वो बयां कर रहे हैं कि समथिंग इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ बट यू आर गोइंग टू लूज, ठीक है। लेकिन द डेविल कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि समथिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी राइट, और अगर आप इसको पकड़ के बैठोगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना आपके लिए तकलीफदेह हो जाएगा। डेविल मीन्स रॉन्ग चॉइस करना, ठीक है, गलत व्यक्ति की संगत में जाना या गलत चॉइस करना, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है, और अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो तो देखो जैसे कि यहाँ पे हम दिख रहा है, ठीक है, द ये लवर्स है दोनों, लेकिन यहाँ पे क्या है, यू नो, एक अट्रैक्शन वाली फेज है एंड यहाँ पे कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे मतलब ऐसा होता है कि मुझे तुम चाहिए ही, तो ये अलग बात होती है, म्यूचुअल लव अलग बात होती है एंड वांटिंग इज अलग होता है। तो ये जो आपकी फीलिंग है वो बढ़ सकती है, तो आपको इस फीलिंग को कंट्रोल करना है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है 3 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पर डिटरमाइन हो रहा है कि समबडी इज़ गोइंग टू बी हैप्पी, ओके, एंड शायद ये आपको बर्दाश्त नहीं हो सकता। मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन जो अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है। वे डिस्टर्बेंस इस वजह से भी आ सकता है बिकॉज यू आर लुकिंग एट दिस, मे वन ऑफ द पर्सन इज योर पर्सन, ठीक है, एंड वो क्यों खुश हैं, इस बात से भी आपको तकलीफ हो सकती है। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ तक, अगर आपको ये द वर्ल्ड मिल रहा है तो इसका मतलब है काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, बस वही तक लिमिट कीजिए और जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए, तो अपने आप फ्यूचर बदल जाएगा। अगर आपने ये नहीं किया तो डेविल कार्ड आएगा एंड देन यू विल बी द वन हु विल बी इन ट्रबल। तो ये था रीडिंग फॉर द नो रीज़न। अब देखते हैं फॉर थिंकिंग प्रोसेस, जिन्होंने भी थिंकिंग प्रोसेस चुना है उनके लिए क्या रीडिंग आती है, ओके, हम एक बार लिए हुए कार्ड्स रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। 2, 3 एंड 4 और 5, ठीक है, 5 कार्ड आ गए। देखते हैं रीडिंग क्या आती है, ठीक है, जिन्होंने अभी चूज़ किया है थिंकिंग प्रोसेस, ओके। चलो देखो नेक्स्ट 48 आवर्स में पहला कार्ड आ गया है जो कि 7 ऑफ पेंटाकल्स, तो यहाँ पे चॉइसेस के ऊपर आपकी सोच चल रही है। यू आर अबाउट टू थिंक लाइक वॉट आर द चॉइसेस इन योर हैंड, ठीक है, कौन कौन से चॉइसेस आपके हाथ में हैं और मैं ये करूं या वो करूं, ठीक है। किसी किसी को लगता है कि मुझे अभी मेरे जॉब पे यू नो फोकस करना चाहिए, या फिर शुड आई मूव ऑन एंड शुड आई स्टार्ट माई फैमिली, यू नो, या फिर मैं अभी कमिटमेंट दे दूं या ना दे दूं, ओके, या फिर कई लोग जो होते हैं वो दोनों तरफ भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैमिली ने किसी और को इंट्रोड्यूस किया है, आपके दिल में कोई और है, आप किसको चुनने वाले हैं। तो यहाँ पर एक चुनाव प्रक्रिया चल रही है जो कि पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है। अब आप एग्जैक्टली क्या करोगे और किसको चुनोगे ये आपका फैसला होगा। 7 ऑफ पेंटाकल्स यू नो डिनोट्स दैट कि आप हैं जो फैसला करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी करने वाले हैं, ठीक है। देखो जब भी हम किसी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे एक चीज़ अच्छी होगी, एक चीज़ थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। एंड ये हमें हर मायने में देखना पड़ेगा, जैसे कि 10 मायने हैं, 10 मायनों में कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। लेकिन कंपैरिजन हर बार सही नहीं होता, कई बार हम कोई पॉइंट भूल भी जाते हैं या फिर हमें लगता है कि यही सब सच है, ठीक है, तो ये बात होती है। तो 7 ऑफ पेंटाकल्स से यहाँ पे तो चॉइस करने में आपका बहुत सारा वक्त जा सकता है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ वांड्स जो कि है रिवर्स्ड, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली 7 ऑफ पेंटाकल्स के बाद ही साइन आ गया है, इसका मतलब देयर इज समबडी जो आपको कमिटमेंट तक देने के लिए तैयार है, लेकिन शायद आप उसका साथ अभी नहीं निभाना चाहते, ओके। यहाँ पे कोई इशू आ रहा है एंड ये इशू ऐसा डिनोट कर रहा है कि समवेयर यू आर पोस्टपोन योर प्लान्स, ठीक है। कोविड में भी कई सारे लोगों की शादियाँ हो रही हैं एंड कुछ लोग हो रहे हैं जो होल्ड ऑन कर रहे हैं, उनके लिमिट है कितने लोग आएंगे एंड अबाउट दैट, ठीक है। एंड जो जगह चाहिए कई बार वो मिलती नहीं है, लॉट्स ऑफ परमिशंस लेनी पड़ती हैं, ठीक है।
एंड रूल्स भी होते हैं कि अगर कोई बाहरी राज्य का व्यक्ति आ रहा है तो उसकी कोविड टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, अनिवार्य, ये भी कहाँ कहीं पे रूल्स हैं। तो देखो यहाँ पे एक जो कार्ड आ रहा है फोर ऑफ वांड्स, तो यहाँ पे है कि आप आगे बढ़ने से कतरा रहे हैं, वी आर नॉट दैट स्टेडी राइट नाउ, आप ज़्यादा समय लेना चाहते हैं टू अंडरस्टैंड मोर, ठीक है। देखो यहाँ पे पहला जो कार्ड है वो है सेवन ऑफ पेंटेकल्स, तो इसका मतलब है चॉइस है, आपने चॉइस नहीं कर दी है, इसी के लिए आप अभी आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल ही रेडी नहीं है। हालांकि देखो यहाँ पे है सिक्स ऑफ कप्स, इसका मतलब है आप रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, ओके। अब अगर इसे डिस्टर्ब डिस्क्राइब किया जाए तो मे बी समबडी इज इन लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है, तो वो उसी में रहना चाहेगा। इफ द पर्सन वॉन्ट अ कमिटमेंट दैट लेट्स टू मैरिज, वो नहीं कहेगा, ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहने को तैयार है, कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। दिस इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आप शायद किसी को कह सकते हैं कि लेट्स कंटिन्यू अप रिलेशनशिप लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड व्हाट एवर यू आर, यू वांट टू कंटिन्यू दिस, लेकिन कोई बात है जिसके ऊपर आपको कम्युनिकेट नहीं करना है। अगर आप मैरिड है और ये कार्ड आपको आया है तो कहीं ना कहीं पर ये भी यहाँ पर बात होती है कि कहीं ना कहीं पर आपको एतराज़ है किसी बात पर, ठीक है, मतलब वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं एंड आप वो चीज़ करने से मना कर रहे हैं, हालांकि उनको जो ज़रूरत पड़ेगी वो सब करने के लिए रेडी है, लेकिन अगर वो कुछ कह रहे हैं कि मेरे साथ चलो तो सॉरी आई कांट बी देयर विथ यू, आई कांट बी देयर विथ यू शॉपिंग, आई कांट बी देयर विथ यू टू गोइंग योर होम, वट एवर इज़ द इशू, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो कार्ड है वो है टेन ऑफ कप्स, तो इसका मतलब है कि आप इसके साथ लाइफ में बहुत खुश हैं, ठीक है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है जिसके वजह से आपके लाइफ में परेशानी आ सकती है, और यही बात है यहाँ पे आ गया है सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स के बाद जो डिनोट होता है कि आप इस व्यक्ति के साथ ऑलरेडी खुश हो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, यू आर ऑलरेडी हैप्पी विद दिस पर्सन, ठीक है, अब कमिटेड रिलेशनशिप में है नहीं है, यू आर मैरिड नॉट मैरिड, आप खुश हैं जो आपको मिल रहा है एंड जो आपके पास है, यू डोंट वांट समथिंग एक्स्ट्रा। एंड द नेक्स्ट कार्ड जो कि है फोर ऑफ वांड्स जो कि है रिवर्स, ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात आ रही है। देखो दोनों जो साइंस है वो कहीं ना कहीं पे कनेक्ट होते हैं मैरिज से, एंड आप इसके साथ आगे बढ़ने में फ़िलहाल तो रेडी नहीं है, ठीक है, मतलब आप जो अपने प्लान से रिगार्डिंग मैरिज वो पोस्टपोन करना चाह रहे हैं, अगर वो आपसे कमिटमेंट मांग रहे हैं तो भी आप उसे पोस्टपोन करना चाह रहे हैं, मे बी यू जस्ट वॉन्ट टू शेयर मोर टाइम विद दिस पर्सन। अब फाइनल देखते हैं जो कि है रीयूनाइट, रीयूनाइट के लिए कौन से कार्ड आते हैं देखते हैं, वी विल चूजिंग फ्यू कार्ड्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, 5 कार्ड आ गए। अब देखते हैं रीयूनाइट के लिए जितने भी कार्ड्स आए हैं उनका क्या उत्तर है, वाह चलो सही कार्ड आ गए, ठीक है, ओके। देखो पहला कार्ड है द हायरोफंट, तो जो पहली बात आपके दिल में चल रही है वो है निभाने की, रिश्ता निभाना, शादी निभाना, बिजनेस निभाना, जो भी है, यू वांट टू हैव एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, मतलब आपको कमिटमेंट चाहिए उस व्यक्ति से बिल्कुल सही तरीके से, एंड आप उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने में रेडी हैं, फिर चाहे एक बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है या फिर आपकी फैमिली हो सकती है या फिर आपके शादी के बारे में हो सकता है, यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद दिस पर्सन, ठीक है। द हायरोफंट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है कि यू आर हैविंग एक्टिव माइंड एंड आपकी दिले ख्वाहिश है कि आप इस व्यक्ति से कम्युनिकेट करें, ये व्यक्ति भी आपसे कम्युनिकेट करे, एंड कहीं ना कहीं पर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है, तो आप इस व्यक्ति से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं एंड किसी भी हालत में आप उसे इग्नोर नहीं करना चाहते, साथ ही इसे अपने आप को इग्नोर नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है, यू आर हैविंग अ विश एंड विलिंग के वी शुड किक आउट समथिंग, ओके। नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स, देखो यहाँ पे आपको अपने दिल की बातें करनी है, ठीक है, देखो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आ गया है, योर हार्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट हियर, जो भी आपकी दिले ख्वाहिश है वो आपको पूरी करनी है, और देखो यहाँ पे किंग भी हैं एंड कप्स भी हैं, तो यहाँ पे आ रहा है कि अभी आप चाह रहे हैं कि जो आपके दिल में है वो सब हो जाए, ठीक है, जितनी भी ख्वाहिश है मुझे ये करना है मुझे वो करना है, कई बार क्या होता है कि हमारे दिले ख्वाहिश दिल में ही दफन हो जाती है, हम वैसा कर नहीं पाते और फिर हमें तकलीफ झेलनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप चाह रहे हैं कि जो भी आपके दिल में ख्वाहिश है वो सब पूरी हो जाए, तो किंग ऑफ कप्स यहाँ पे आ गया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है जस्टिस, तो देखो जस्टिस कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपके दिल में कुछ बातें हैं
ओके, जिन्हें आप बयां करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि वी आर इन रिलेशनशिप, ओके, एंड उसको कितने दिन कितने महीने हो गए हैं, नाउ आई वांट जस्टिस, दैट मीन्स आप उस व्यक्ति से कमिटमेंट मांग रहे हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि आई वांट समथिंग, यू नो, अ काइंड ऑफ प्रूफ और वट एवर, मतलब जो भी ऐसी बात हो सकती है कि आपको इस रिलेशनशिप में सही चीज़ चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपको लग रहा है कि आप उस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा ही सुन के ले रहे हैं, ओके, एंड ये आपको तकलीफ हो सकती है, इसलिए आप चाह रहे हैं दैट यू शुड हैव अ जस्टिस। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द हर्मिट रिवर्स, ठीक है। तो द हर्मिट रिवर्स का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि कोई भी अगर मेडल करना चाहता है रिलेशनशिप में, या कोई इंटरफेयर करना चाह रहा है, फिर वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो, या फिर रिश्तेदार क्यों ना हो, या फिर आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, आप उन्हें इंटरफेयर करने नहीं दे रहे हैं, यू जस्ट डोंट वॉन्ट देम टू नोज बिटवीन योर रिलेशनशिप, ठीक है। यू डोंट वॉन्ट देम टू अप्लाई देयर फेसिस, यू नो, आप चाह रहे हैं कि वो लोग आपसे दूर ही रहें, उनकी जो बात है वो आपसे ना करें, आप चाह रहे हैं कि जो आपके दिले ख्वाहिश है वो हो जाए, ना कि उनके दिले ख्वाहिश। मैं भी आपको कुछ समझा रहे हैं या फिर आपको कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपको उनका कहना बिल्कुल नहीं मानना है, आपका कहना है व्हाट आई वांट दैट। एंड द फाइनल कार्ड जो कि है 10 ऑफ पेंटिकल जो कि है रिवर्स्ड। देखो यहाँ पे आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप तो है, लेकिन आपके हिसाब से वो और मजबूत और स्टेबल हो सकती है। कहीं ना कहीं पर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप थोड़ी ईजीली डिसरप्ट हो सकती है, या फिर ये व्यक्ति आपका साथ आज या फिर कल परसों छोड़ भी सकता है, और इसी लिहाज से आप चाह रहे हैं कि एक सुपर कमिटमेंट आपको इस व्यक्ति से मिले। ये था रीडिंग आपके लिए।